माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आकाश कनौजिया हैं। आकाश की शायद ये ज्वाइनिंग तीसरी हुई ना? तीसरी। आकाश अभी मैरिड है आप? जी। अभी ये अपने बारे में पूरा एक्सपीरियंस यहाँ बताएंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या नई चीज़ इनको मिलती है, क्या सोसाइटी इनको कर रही है। अब ये तो पुराने परिवार के से मेम्बर हो जाते हैं जब दूसरी तीसरी ज्वाइनिंग होती है यहाँ से। एक्चुअल में मैरिड एक कैंडिडेट के साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहती हैं, जिसकी वजह से उसको दिक्कत भी होती है कि उसको कुछ नया और ऑप्शन मिले। और मैं बेसिकली आकाश से कहूँगा कि कुछ अपनी बातें शेयर करिए आकाश, जो आपको लोगों को बताने के लिए अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश। मैं सबके साथ जुलाई 2019 से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मेरी तीसरी प्लेसमेंट होगी। और मेरा को मैरिड होने की वजह से कि सैलरी का मेरे को इंक्रीज करनी थी, इसलिए मैंने सर से बोला। उन्होंने बोला कि सर ने कि ठीक है, मैं आप आइए मैं देखता हूँ। तो सर ने मेरी तीसरी ज्वाइनिंग करवाई है कपिला में। तो अब सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है उसमें अन्य प्लेसमेंटों की जगह की अदर मुकाबले यहाँ पे आपको तैयार किया जाता है, ताकि आप जो है इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग लें। आप यहाँ सेशंस होते हैं, उसमें आपको एक्सेल वगैरह अच्छे से सिखाया जाता है, टैली सिखाया जाता है, फिर आपको भेजा जाता है। एक्सेल कोचिंग वाला तो नहीं सिखाते हैं? नहीं, कोचिंग नहीं है। जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, हाँ, प्रॉपर क्लास होती है। जो बेसिकली एक्चुअल में जो इनको ये बात ऐड करना चाहते हैं वो मैं आपको ऐड करके बता दूँ। एक्चुअल में हम लोग एक कोचिंग सेशंस को नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे जो बंदे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी कंपनीज में उनके सेशन का फर्क पड़ता है, उसके उनको वहाँ पर ट्रायल भी उनके निकल पाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि जैसे इनकी तीसरी ज्वाइनिंग हुई है, आप भी यहाँ पे खूब सारी ज्वाइनिंग लीजिए, आगे बढ़िए, पैकेज लीजिए, कंपनीज का नाम लीजिए, लेकिन अपने साथ में होमवर्क करते चलिए। केवल प्रॉब्लम में फंसे होने से और केवल वो एक्सक्यूज देने से इनके पास भी दिक्कतें रही हैं और लोगों के पास भी। मैंने देखा आजकल लोग प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, बताते हैं, पर प्रॉब्लम बताने से केवल सलूशन नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा कि प्रॉब्लम की बजाय सोल्यूशंस पे काम करिए, ज्वाइनिंग लेते हुए वर्किंग करते जाइए, कंपनीज चेंज करते जाइए, पैकेज बढ़ाते जाइए, बट प्रॉब्लम की वजह से इंटरव्यूज मत रोकिए, एक्सक्यूजेस मत दीजिए, उनको मत टालिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माई सियोर जॉब.com। थैंक यू।